अब पूरा परिवार कर सकेगा एक ही यूपीआई अकाउंट से पेमेंट, नहीं बनाने पड़ेंगे अलग अलग खाते। इस नए फीचर का नाम है यूपीआई सर्कल डेलीगेट पेमेंट्स। ये एक तरह का यूपीआई शेयरिंग होगा जिसमें एक ही बैंक खाते से दो लोग यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। इसके प्राइमरी अकाउंट होल्डर के पास सेकेंडरी यूजर को यूपीआई इस्तेमाल करने की परमिशन देने की ताकत होगी। ऐसे में एक परिवार से अलग अलग सदस्य एक यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। यूपीआई सर्कल डेलीगेट पेमेंट सिस्टम के जरिए प्राइमरी यूजर को यह अधिकार होगा कि वो अपने सेकेंडरी यूजर को लेन देन की परमिशन दे। ये परमिशन आंशिक या पूरी तरह से दी जा सकती है। आंशिक परमिशन में सेकेंडरी यूजर को हर ट्रांजैक्शन से पहले प्राइमरी यूजर को लेन देन के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी। वहीं दूसरे विकल्प में सेकेंडरी यूजर को प्राइमरी यूजर द्वारा तय की गई राशि की पूरी लेन देन का अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में प्राइमरी यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से सेकेंडरी यूजर को लेन देन की राशि की परमिशन प्रदान कर सकता है। एक उदाहरण समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर के लिए लेन देन की राशि के लिए लिमिट तय कर सकता है। NPCI ने जानकारी दी है कि सेकेंडरी यूजर को एक महीने में 15,000 रुपए तक की लेन देन की ही अनुमति मिलेगी। लेकिन अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि इस नए फीचर को लाया क्यों गया है। तो आपको बता दें, UPI में इस नए फीचर के ऐड होने से पूरे परिवार को एक ही बैंक खाते से UPI लेन देन करने की सुविधा मिलेगी, जिससे UPI पेमेंट्स को बूस्ट मिलेगा। इससे UPI यूजर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही जब भी UPI पेमेंट होगा तो प्राइमरी यूजर को इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। इससे फ्रॉड की घटनाओं पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। आपको NPCI की नई पहल कैसी लगी, हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए, अपनी जेब से जुड़ी खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP Live Premium।